मैं वसीम शेख, आज हम बात करेंगे मोमेंट्स के बारे में। बस लोकोमोशन और मोमेंट हमारा चैप्टर है, आज हम मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी तीन तरह के मोमेंट्स लिखता है, एक है अमीबॉइड मोमेंट, दूसरी है सिलियरी मोमेंट और तीसरी है मस्कुलर मोमेंट। तो अमीबॉइड्स मोमेंट जो दिखा रहे हैं वो दिखाते हैं हमारे ल्यूकोसाइट मतलब WBC एंड मैक्रोफेज। ठीक, एनसीईआरटी लिखता है जिस तरह से अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को स्ट्रीमिंग करता है, उसी तरह से ये सेल भी अपने साइटोप्लाज्म को या प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रीमिंग कर लेते हैं और कोई भी शेप में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे इतना छोटा सा पोर्स है, ब्लड वेसल्स जो है सेल से बनी है, सेल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए WBC को जाना है और WBC यहाँ पे है तो ये अपनी बॉडी की शेप मोड़ देगा कुछ इस तरह से, अपने आप को डाई कर लेगा, ढाल लेगा कुछ इस तरह की शेप में और फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो दिस इज अ मोमेंट इज कॉल्ड एज अमीबॉइड्स मोमेंट। इसको अमीबॉइड्स मोमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि जनरली अमीबा ऐसे मोमेंट्स दिखाता है, इसलिए इसको अमीबॉइड्स मोमेंट बोला गया। ये मोमेंट्स करने के लिए इसे दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म नंबर टू साइटोस्केलेटन एलिमेंट, इसमें हम ले लेते हैं माइक्रो ट्यूबल। साइटोस्केलेटन मतलब जो सेल के अंदर का जो स्केलेटन है, जैसे माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं, जैसे इस अगर हम छत की बात करें तो छत के अंदर सरिये होते हैं, उसी तरह एक सेल के अंदर उसको स्टेबलाइज करने के लिए माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है WBC और ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूबल्स एक थ्रेड लाइन जो आपको दिख रहे हैं ये है। अब मान लीजिए ये माइक्रोट्यूबल यहाँ का इसको इधर खींच लेता है तो जाहिर सी बात है सेल कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये अमीबॉइड्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हो गया? मतलब मान लीजिए ये मेरे दोनों हाथ दो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को पकड़ा हुआ है और ये एक सेल मेम्ब्रेन को पकड़ा हुआ है, मैं इस तरह से खींच रहा हूं तो जाहिर सी बात है सेल अपनी शेप चेंज कर देगा। दूसरी बात, दूसरी मूवमेंट हम ले लेते हैं सिलियरी मूवमेंट। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखता है एनसीईआरटी, जैसे कि ट्रकिया हो गया, तो ये जो हो गया ये ट्रकिया है हमारी लंग्स की नली, ये ट्रकिया के अंदर और फोलोपियन ट्यूब की अगर बात करें हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ये हमारी फोलोपियन ट्यूब हो गई रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, यहाँ पे इस तरह के सेल प्रेजेंट है, इनको सीलिया है। सीलिया मतलब बेटा हेयर, इन सेल्स को हेयर प्रेजेंट है। ये हेयर एक को अगर यहाँ पे है तो जो ओवा है इसको आगे बढ़ाने का या काम करेंगे, जबकि यहाँ पे ये डस्ट निकालने का काम करेंगे। तीसरी जो होती है यह होती है मस्कुलर मूवमेंट। अब मस्कुलर मूवमेंट मतलब मेरे हाथ की मूवमेंट, मेरे जबड़े की मूवमेंट है ना, मेरे पैर की मूवमेंट, मेरे नाक की मूवमेंट। नाक की नहीं होती है, हाथ पैर फिंगर की जो मसल्स की मूवमेंट है उसको हम मस्कुलर मूवमेंट कहेंगे। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी तीन मसल्स के नाम लिखता है, हम पढ़ते हैं मसल्स बेटा। चलो मसल पे आ जाते हैं। बॉडी का लगभग 40-60% जो पार्ट है या फिर वेट है ये लगभग मसल्स से बना हुआ है। ठीक है, मसल्स की अगर बात करें ऑन द बेस ऑफ लोकोमोशन, किसके बेस पे? लोकोमोशन के बेस पे हमने मसल्स तीन मसल्स को कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहला स्केलेटन, स्केलेटन मसल, दूसरा है कार्डियक मसल, तीसरा है विसिरल या फिर हम इसको दूसरा नाम बताइए स्मूथ मसल के नाम से जानते हैं। चलिए, तो तीन मसल हमारे पास आ गए,
पहला स्केलेटल मसल, दूसरा विसरल मसल, तीसरा है कार्डियक मसल। आगे पीछे चल जाएगा। स्केलेटल मसल ये हमारे स्केलेटल को लगा होता है, स्केलेटन का मसल है हमारे, बराबर है। स्केलेटन मसल हमारे स्केलेटन का मसल है नंबर दो। कार्डियक मसल हमारे हार्ट का मसल है, जबकि विसरल मसल जो है ये हॉलो ऑर्गन्स में मिलता है। हॉलो मतलब जो खोखले होते हैं अंदर से, जैसे हमारा इंटेस्टाइन हो गया, हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये खोखले हैं। इनके अंदर ये मसल जिसके अंदर कैविटीज है, ये मसल्स यहाँ पे मिलेंगे, विसरल मसल या स्मूथ मसल। अब कार्डियक मसल्स की और स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल की बात करें तो इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज मिलती है, इसका नाम है स्टार्टिंग स्ट्रेटिफिकेशन, या ये मसल स्ट्रेटेड मसल के नाम से भी जाने जाते हैं। दीज आर द स्ट्रेटेड मसल। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल जो है वो स्ट्रेटेड मसल है, जबकि हमारा विसरल और स्मूथ मसल जिसको हम बोलेंगे विसरल बोलो या स्मूथ बोलो, ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है। क्लियर, क्लियर हो गया यहां तक के? आगे बढ़ते चलिए मसल्स के बारे में लिखते हैं। आगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स क्या होता है ये बिठा दो, चलिए लिख लीजिए, लिख लिया चलिए। क्या हो गया हमारा हैंड, हैंड को अगर हम कट करें तो इस तरह के मसल, छोटे छोटे मसल बंडल दिखते हैं, मसल बंडल, या फिर हम इसको फैसिकल के नाम से भी जानते हैं, मसल बंडल या फैसिकल मिल जाएंगे। लेट्स चेंज द कलर, चलिए ये रेड कलर आपको दिख रहा है। अब दो मसल्स बंडल के बीच में कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको हम नाम देंगे फैसिया। तो फैसिया क्या हुआ, कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, ये आ गया हमारा मसल्स बंडल, ठीक है। इसके बीच में एक कोलेजिनियस स्ट्रक्चर वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनका नाम है फैसिया, और मसल बंडल को हम बोलेंगे फैसिकल। मैं एक मसल बंडल बाहर निकाल लेता हूं, मैंने बाहर निकाल दिया, अब ये मसल बंडल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर इस तरह के मिलेंगे जिसको हम मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज दिस, ये हो गया हमारा फैसिकल, ये हो गया हमारा क्या हो गया बताइए, मसल सेल या फिर मसल फाइबर्स, ठीक है। इसको जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोलेमा माफ कीजिए। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मिलेगा इसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म। मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मिलेगा इसको हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा, जबकि जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल का हम उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। अच्छा, खास बात ये देखिए, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है जिसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
किसको बोलेंगे, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर मसल सेल के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हम उसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्लियर हो गया, इट्स अ हब ऑफ कैल्शियम आयन, सबसे ज्यादा क्या जमा होता है इसके अंदर कैल्शियम आयन। मसल सेल की बात करें तो मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल है इसलिए हम इसको सिंसाइटल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर हमको और मिल जाएंगे जिसको हम बोलेंगे मायोफिलामेंट। क्या बोलेंगे बेटा, मायोफिलामेंट। सो व्हाट इज दिस मायोफिलामेंट, तो जो मसल सेल है मसल सेल के अंदर छोटे छोटे फिलामेंट मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, धागे जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिन। क्या बोलेंगे इसको, मायोफाइब्रिन। अब मायोफाइब्रिल को हम आगे लेते हैं तो मायोफाइब्रिल में हमको मिलेंगे बैंड, मायोफाइब्रिल में क्या मिलेंगे हमको, बैंड मिलेंगे। तो ये बैंड को हम जेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन, ठीक है। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। तो सार्कोमियर ही वो जगह होती है जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है, क्योंकि सार्कोमियर कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन हुए, तो बेटा ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। क्लियर, तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देख लेते हैं, ये लिख लिया आपने, मैंने क्या बताया, सबसे पहले मसल्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको, मसल बंडल बोलिए या फैसिकल बोलेंगे, फैसिकल को जोड़े कौन रख रहा है, फैसिया, ठीक है। मसल बंडल में से क्या मिलेंगे आपको, मसल सेल, बराबर है। मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, यहां पे मसल्स की बोलिए, सार्कोप्लाज्म, नहीं क्या बोलेंगे फिर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम हुआ सार्कोप्लाज्म, यहां पे साइटोप्लाज्म जो है सार्कोलेमा, क्या बोलेंगे उसको, सार्कोलेमा इज द मसल्स मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंसाइटल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वाला यहां से लेके यहां तक के पूरा क्या है, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। उसके अंदर हमको स्ट्रक्चरल एलिमेंट मिलेगा जिसका नाम है सार्कोमियर। ये रब कर दो, चलिए आगे हमारी जेड लाइन, ये हुआ एक्टिन फिलामेंट जिसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं। जेड लाइन के दोनों तरफ से होता है, चलिए रफ कर दो, ये वाला भी रफ कर दो, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये होगी दूसरी जेड लाइन, तीसरी जेड लाइन, ये वाला जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन जेड 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 जेड, यहां से आता के सार्कोमियर, यहां से आता के सार्कोमियर, यहां से आता के सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, इट कंटेन टू प्रोटीन, फर्स्ट इन एक्टिन व्हिच इज आल्सो नोन एज थिन प्रोटीन, एक्टिन थिन फिलामेंट बोलेंगे इसको, और सेंटर में एक थिक फिलामेंट होता है जिसका नाम है मायोसिन। तो दिस इज नथिंग ओनली बट मायोसिन प्रोटीन जो सेंटर में है, ठीक है। ये जो सेंटर के प्रोटीन है इनका नाम क्या है, मायोसिन, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, रेड कलर में जो है वो एक्टिन है, ठीक है, और जो सेंटर में है वो कौन है बेटा, मायोसिन। तो समझ में आ गया एक्टिन मायोसिन का कंसेप्ट कैसे आ रही है। चलिए, सेंटर में एक लाइन होती है
जिसको हम एम लाइन कंसिडर कर लेते हैं, तो यहां से जो गई है वो है एम लाइन, ठीक है, ये अभी एम लाइन। चलिए अब देखिए, जहां पे सिर्फ मायोसिन हो, ये वाला जो प्रोटीन है ये मायोसिन है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन हो, अगर वही पार्ट हम ले लें, मतलब यहां से यहां तक के पार्ट अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक के ले लें, तो हम इसको बोलेंगे एच जोन। हम इसको क्या बोलेंगे? एच जोन। अगर हम थोड़ा ओवरलैप भी देखें, देखिए यहां पे ओवरलैप भी हो मायोसिन और एक्टिन का, यहां पे एक्टिन है, यहां पे मायोसिन है, थोड़ा बहुत ओवरलैप हुआ, यहां पे भी ओवरलैप हुआ, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन हम ले रहे हैं यहां से लेके यहां तक के, मतलब ये वाला रीजन जहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये हम बोलेंगे इसको ए बैंड, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने लेना है ये वाला पार्ट और इतना, मतलब यहां से लेके ओवरलैपिंग रीजन नहीं लेना है, यहां तक के, इसको हम बोलेंगे हाई बैंड। क्या बोलेंगे? हाई बैंड में सिर्फ एक्टिन आते हैं, एच जोन में सिर्फ मायोसिन आएगा, ए बैंड में थोड़ा एक्टिन थोड़ा मायोसिन, मतलब ओवरलैपिंग रीजन पकड़ के मायोसिन आ जाएगा। क्लियर हो गया अपना? अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन।